बीपीएससी के द्वारा लाखों लाख इन दिनों बहाली की जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से 64वीं के बाद से जो भी बहालियां हुई है उसको लेकर वीरेंद्र गुप्ता जो कि माफिया कहे जाते हैं उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। ऐसे में न्यूज चैनलों के माध्यम से उन्होंने बड़ी बातें कह डाली है। इसमें क्या सच्चाई है ये हम नहीं जानते, हम नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरीके से माफिया कहे जाते हैं वीरेंद्र गुप्ता, उन्होंने कहीं ना कहीं न्यूज चैनलों के माध्यम से आकर बड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि जिस तरीके से 64वीं के बाद से जो भी बहाली हुई है उसमें जितनी भी बहालियां हुई है उसमें कहीं ना कहीं पेपर का मामला सामने निकल के आया है। ऐसे में अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों की भी संलिप्तता उन्होंने बताई है। राय चले आपको कि समस्तीपुर के रहने वाले वीरेंद्र गुप्ता ऐसे में उड़ीसा मामले में भी कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जा चुके हैं, कई सारे नामे ले रहे हैं, तो वहीं क्या कुछ कर इस बयान को आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। के साथ कि आप लोग मीडिया के माध्यम से कि बार बार ब्लेसिंग को टेंडर बीपीएससी के थ्रू जाना, 64वीं से मुझे जानकारी है, आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि बीपीएससी चेक कर ले, आर्थिक अपराध इकाई चेक कर ले, सरकार चेक कर ले कि क्या 64वीं बीपीएससी से कंटिन्यू टेंडर उसके पास है या नहीं है। हर मामले में फर्जीवाड़ा हुआ, पता नहीं चला। अब पता नहीं चला तो मैं जाके कंप्लेन करूँ, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। देखिए मैं जाके कंप्लेन करूं कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन 64वीं के बाद से जो भी ब्लेसिंग कंपनी को टेंडर दिया गया है क्वेश्चन बनाने को लेकर, उस ब्लेसिंग कंपनी को ब्लैकलिस्टेड काफी सालों पहले कर दिया गया था, लेकिन उसी को बार बार टेंडर देना ये बड़ा सवाल है। राय चले आपको कि कलकत्ता की ब्लेसिंग कंपनी है और इसको लगातार ब्लैकलिस्टेड करने के बाद जो है टेंडर दिया जा रहा था, और इसको लेकर वीरेंद्र गुप्ता ने बड़ा सवाल उठाया। उनका यह साफ कहना है कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन 64वीं के बाद से जो भी बहाली हुई है उसमें पेपर लीक हुआ ही है। ऐसे में वीरेंद्र गुप्ता ने कई सारे सवाल उठा दिए हैं, कई सारा प्रश्न उठ रहा है। ऐसे में क्यों नहीं सरकार पकड़ पा रही है तमाम इन माफियाओं को, बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बिहार में बहाली होती है उसमें पेपर लीक कैसे हो जाता है। ऐसे में जिस तरीके से अतुल प्रसाद दावा कर रहे थे उनका भी दावा अब फेल दिख रहा है, कई वर्षों से कार्यरत थे, बीच में देखा जाए तो उनकी सदस्यता जो है खत्म हो गई, यानी कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ऐसे में देखा जाए तो उनके जगह किसी और अधिकारी को बैठाया गया है, लेकिन अतुल प्रसाद के रीजन में जिस तरीके से खबरें आ रही उसको देखते हुए 64वीं के बाद जो भी बहालियां हुई है वो अतुल प्रसाद के हाथ हुई है, और ऐसे में अब अतुल प्रसाद पे भी सवाल उठने लगे हैं ब्लेसिंग कंपनी को, आखिरकार टेंडर आयोग ने दिया तो क्यों दिया, आखिरकार अधिकारियों ने टेंडर दिया तो क्यों दिया। वीरेंद्र गुप्ता ने कई सारे खुलासे करते हुए साफ कहा है कई सारी मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों की भी संलिप्तता है। ऐसे में एक और जो है बयान उनका सुना रहे, जहां पर वो क्या कह रहे हैं वो सुने। कैंसिलेशन को रोकने के लिए भी की गई थी, बहुत सारे ऑफर दी गई थी जैसी मेरे पास जानकारी आई थी, बट वो लोग मैनेज करने वाले जाने और बीपीएससी जाने या जो भी मंत्री का नाम जो भी आया है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज को जानता नहीं हूँ, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, यही बात बताऊंगा। दूसरा चीज है कि अभी भी बीपीएससी के जांच अनुसंधानकर्ताओं से मतलब विनती, हम्बल रिक्वेस्ट है कि विशाल चौरसिया के साथ पार्थ सेन गुप्ता और बीरेंद्र सिंह जो पूर्व में उड़ीसा एसएससी में मेरे साथ जेल जा चुके थे, बस उनको लेके चले आइए, आपको सारा चीज पता चल जाएगा, मटेरियल कहाँ से आया नहीं आया, बाकी कुछ भी कहीं करने की जरूरत नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए पार्थोसेन गुप्ता, विशाल और साथ ही वीरेंद्र सिंह का नाम ले रहे हैं वीरेंद्र गुप्ता, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन तमाम लोगों को जिस तरीके से जांचें चल रही है उसको देखते हुए उन तमाम लोगों को पकड़ा जाए और उनसे पूछताछ किया जाए, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा आखिरकार पेपर लीक करवाया तो किसने करवाया। ऐसे में बड़ा यह सवाल है कि आयोग के अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से दावा किया जाता था उनका दावा फेल दिख रहा है, पेपर लीक एक नहीं दो नहीं लगातार जिस तरीके से पेपर हुआ उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता अधिकारियों की बताई जा रही है। देखना यह होगा कि वीरेंद्र गुप्ता की बातें कहां तक सच है। ऐसे में यूयू लगातार जांच कर रहा है। T3 पेपर लीक को लेकर जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने तमाम अपनी बातें कही, उन्होंने यह साफ कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बहाली हुई है पेपर लीक तो लगातार कहीं ना कहीं हो ही रहा है। फिलहाल अब सवाल यह उठ रहा है कि फर्स्ट फेज की शिक्षक बहाली, सेकंड फेज की शिक्षक बहाली, साथ ही 64वीं के बाद जो भी बहालियां हुई उसमें पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। ऐसे में वीरेंद्र गुप्ता की बातों में कितनी सच्चाई है यह जांच बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल माफिया वीरेंद्र गुप्ता की आपको हमने बयान सुनाया है क्या कुछ वो कह रहे थे। अब जांच के बाद जो भी स्पष्ट होगा आपके पास हम वो खबर पहुंचाएंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।